नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीज़न 18 के बारे में, जिसका इस बार का थीम है टाइम का तांडव। और टाइम के तांडव के साथ साथ हमने रोज़ देख रहे हैं कि एक के बाद एक फेरबदल घर के अंदर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पहली बार बिग बॉस के इतिहास में टाइम गॉड का एक हमें इनोवेशन देखने को मिला, टाइम का तांडव देखने को मिला, AI इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी देखने को मिली, वहीं एविक्शन भी दो लोगों की अभी तक हो चुकी है। बेशक गुणरतन जी किसी और रीजन्स की वजह से बाहर गए थे, लेकिन एक सदस्य वो पहले चले गए थे और अब हेमा शर्मा भी बाहर हो चुकी है, जो कि वायरल भाभी थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ घर के अंदर आई थी। जेल में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले सदस्य आते जेल में जो चले गया था, उसके बावजूद भी अब घर में कई सारे फेरबदल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और आज हम बात करेंगे जो कल रात के एपिसोड में हमें देखने को मिला और अब आने वाले आज का जो एपिसोड होगा उसमें जो देखने को मिलेगा, तो एक उस पर एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनर हम इस वीडियो में देंगे। तो अनन्या मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरह आप लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, मेरा कल वाला मिस हो गया तो मैंने वाला आपसे पूछ लूँ कि कल क्या क्या हुआ है। एविक्शन का तो हमने बात करी ली, लेकिन घर के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है? मुझे लगता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है उससे पहले हम ये एक बार बता दें कि इस बार जो बिग बॉस ने कंटेस्टेंट लेकर आए हैं, बिग बॉस जो वो वाकई मतलब मींस आप सारे ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ एक अगर आप एक लड़की को छोड़ देंगे, आप अनामिका मुझे लगता है शायद एलिश नहीं एक और लड़की जो बहुत कम बात करती है, मुस्कान को अगर आप छोड़ देंगे तो उसके अलावा मुझे लगता है सारे ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट हैं और आगे तक जाने वाले लग रहे हैं। और रही बात कल की, तो कल की में तो आपने जिस तरह से टाइम गॉड को लेकर जो कॉन्सेप्ट बिग बॉस लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि घर वाले ना अभी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि टाइम गॉड का की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा आने वाले टाइम पर होने वाली है। और उस टाइम और उस दिन भी, जिस दिन के लिए आप यहाँ एक हफ्ते के लिए अगर आप टाइम गॉड बने हैं, तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उतना ज़्यादा घर वाले इस पर ना तो रिएक्ट कर पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं किसे टाइम गॉड होना चाहिए किसे नहीं होना चाहिए। हालाँकि विवियन और अगर हमने रजत को देखा तो दोनों के बीच कॉम्पिटिशन हुआ था, रजत इस कॉम्पिटिशन में जीत गए थे, लेकिन फिर जब अरफिन के साथ उनका कॉम्पिटिशन हुआ तो टाई हो गया, घर वालों ने बराबर वोट किया। और मुझे लगता है कि विवियन इसमें खेल गए, क्योंकि विवियन को लेकर मुझे लग रहा था कि वो अफरीन जी को वोट देंगे, लेकिन उन्होंने वोट कर दिया रजत को और जिसके बाद टाई हो गया। तो अब पूरा हफ्ता जो है वो टाइम गॉड के बिना बिग बॉस के कंटेस्टेंट का कटेगा। लेकिन आप ये इम्पोर्टेंस समझनी बहुत ज़रूरी है, नया कॉन्सेप्ट है और इस बार का जो बिग बॉस है वो देखने में मज़ा बढ़ा रहा है। कोई भी आप, मुझे लगता है कि लास्ट बिग बॉस जो हमने सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा था, उसके बाद के बाद पिछले साल का एक बिग बॉस हमने देखा था जिसमें विक्की भैया ने काफ़ी अपनी छाप छोड़ी थी और जगह बनाई थी। अगर हम बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला के से और यहाँ पर विक्की जैन से, और अब के वाला जो बिग बॉस है जिसमें 16-17 कंटेस्टेंट हैं, वो वाकई कमाल है। तुरंत स्टैंड होता है और जैसा भी कर रहे हैं, कहीं पे ग्रुपिज्म देखने को मिल रहा है, कहीं पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, कोई बैक साइड से खेल रहा है, कोई फ्रंट फुट पर खेल रहा है, ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा अगर करण वीर इन सब के बीच मेरे को बड़े सही लगते हैं, उनके जो स्टैंड होते हैं और जो मेन है ना खेल की, अगर आप कहीं पर आपका झगड़ा भी हो गया तो आप फिज़िकल अगर नहीं हो सकते तो आपको बातें ज़रूर अच्छी करनी आनी चाहिए। तो करण वीर का उसमें कोई मुकाबला नहीं है, मुझे लगता है वो जिस तरह से बात करते हैं और जैसे ट्रिगर कर रखा है उन्होंने अविनाश को जेल में रहकर, वो बहुत शानदार है। बिल्कुल, और उससे पहले और भी चीज़ों पे आएंगे। बिग बॉस ने कहा था कि टाइम गॉड के पास ऐसी एक पावर है कि वो टाइम को बदल सकते हैं, आपका जो पास्ट है उसको बदल के फ्यूचर में आपका जो चेंजेस होंगे वो उनके पास एक स्पेशल पावर है। तो बाकी सब ने उनको हल्के में लिया और आफरीन जी जब टाइम गॉड थे तो उनकी बातें नहीं मानी, चाहे वो जेल के अंदर जो सदस्य थे उनकी बात कर लें, चाहे अविनाश की हम बातें कर लें। तो आपको लगता है कि जो अभी कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने पड़ेंगे बाद में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, ये तो सारी चीज़ें एंड ऑफ द मोमेंट तो बिग बॉस के हाथ में ही हैं और वो कैसा खिलाएंगे। देखिए, आप कल बिग बॉस को उन्होंने बिग बॉस ने बुलाया रजत को और सारी चीज़ें उस मुझे लगता है कि उन्होंने एक फेविक्विक मांगा था, अपना टॉर्टोइज उन्हें जोड़ना था, तो उस बीच उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो पूछ ली रजत से और वो सारा जो लाइव कास्ट हो रहा था वो बाहर कंटेस्टेंट के लिए हो रहा था, तो बताया कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी अभी कौन है, तो उन्होंने बताया कि ईशा है और मेरे लिए बग्गा जी हैं। बग्गा जी का भी गेम मुझे थोड़ा सा कम उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उन्हें बहुत खुलकर आने की ज़रूरत है, जिस तरह से मुस्कान। और आप देखिए ना कि अगर आप थोड़ा सा भी डाउन होंगे, आप वायरल भाभी देखिए, आप एक हफ्ते में ही दो हफ्ते में ही बाहर हो गई,
और जबकि वायरल भाभी का आप उनका इंस्टा देखेंगे तो वो बहुत कंटेंट देती है, अच्छा कंटेंट देती है। एक झगड़ा उन्होंने किया था और जो झगड़ा करने का तरीका था वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि बहुत ओवर रिएक्ट कभी कभी आप किसी किसी चीज़ों पर कर जाते हो, तो ओवर रिएक्ट उन्होंने किया जो अविनाश को लेकर था जिसमें वो खाना नहीं दे रहा था जेल में, और डांस वाली बात कही थी, और डांस वाली बात जो है वो उनकी तरफ से कही गई। तो बहुत ओवर रिएक्ट कभी कभी वो आप कर जाते हो अगर कुछ चीज़ों पर, जो कि सही नहीं भी होता है, आपके लिए भी नहीं होता है और किसी और के लिए भी नहीं। और आपको मेन पूरे घर में आपको मेन पॉइंट पकड़ने की ज़रूरत है, किस पॉइंट पर आप कितना अच्छा अपना ओपिनियन दे सकते हो, अपना कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो जो जो जनता से कनेक्ट कर जाए। जैसे करणवीर की बात है, वो अविनाश को मतलब चुटकियों में ट्रिगर कर देता है। आप सोच रहे हो खतरों के खिलाड़ी जीत कर आया है और मुझे लगता है कि टॉप 5 टॉप 3 में हम जरूर करणवीर को देख रहे हैं। विवियन से जो उम्मीदें थी, विवियन उतना खुलकर नहीं खेल पा रहे। विवियन अभी भी अविनाश का बोलकर इधर आना और इधर का बोलकर उधर जाना, वो अभी भी मीडिएटर की भूमिका में हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे ना विवियन से, वो वाली बात अभी भी मुझे विवियन में नज़र नहीं आई। हालांकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी विवियन की, जो एक शो आया था जिससे वो बहुत ज़्यादा कौन सा शो था मुझे लगता है वो काफ़ी टाइम पहले अधूरी कहानी उन्होंने कुछ था, प्यार की एक कहानी, कुछ प्यार की एक कहानी से, तो वो जिस तरह का रोल वो अपने शोज़ में करते हुए नज़र आए हैं, बिग बॉस में उस तरह का की भूमिका जो है विवियन की हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, जिस भूमिका में हमें करणवीर नज़र आ रहे हैं। और वो करणवीर बहुत शानदार, मतलब आपको आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, इतना बातों से ही आप लोगों को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, उसकी कोई बराबरी नहीं है। बिल्कुल, मास्टरमाइंड ये कह रही हैं अभी करणवीर, इस समय अगर हम देख पा रहे हैं उनकी गेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ खतरों के खिलाड़ी उन्होंने एक सीज़न जीता है तो एक खतरा हो सकते हैं बाकी सब कंटेस्टेंट्स के लिए इस सीज़न में। तो एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जहाँ पे बिग बॉस ने एक इस बार जो टाइम का तांडव फॉर्मेट था वहाँ पे पहले दो कंटेस्टेंट्स को बता दिया कि फाइनलिस्ट हैं, पहली एलिस कौशिक है और दूसरे विविन दिसेना, तो इन दोनों में से दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो मुझे लगता है प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं बाकी जो लोग हैं जो अपनी रिटर्न किस्मत बदल सकते हैं इस बार का जो फॉर्मेट है, तो ना एलिस मुझे कोई उनका इस घर में कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, विविन दिसेना सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी कोई अपना कोई स्टैंड नज़र नहीं आ रहा है, और रजत दलाल, करणवीर मेहरा, ये सब जो लोग हैं वो खुल के वापस आ रहे हैं, जबकि शिल्पा शिरोडकर जी उनकी उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी, सलमान खान ने भी उनको समझाया कि आप थोड़ा सा खुल के खेलिए, छोटी छोटी बातों पर वो नाराज़ हो जाती हैं, तो आपको लग रहा है कि फाइनलिस्ट गलती होगी बिग बॉस को चुनने में? मुझे लगता है विवियन तो ठीक है, लेकिन एलिश आई डोंट थिंक कि वो फाइनलिस्ट में या वहाँ तक या टॉप 5 में भी पहुँच पाएंगे, और अगर वो पहुँचना चाहती हैं तो भूमिका उनको फर्स्ट डे से बनानी होगी, उस वो जो ग्रुपिज्म जहाँ हो रहा है ना, वो लव ट्रायंगल बन रहा है, उससे बाहर निकले वो सबसे, एक लव ट्रायंगल भी दिख रहा है उसकी, हाँ उसकी वजह से वो पूरा ओवर शेडो हो जा रही हैं, क्योंकि लव ट्रायंगल जो दिख रहा है वो ईशा और अविनाश का दिख रहा है, एलिश उसमें जो है वो होता ना कबाब में हड्डी आप बनती हुए दिख रही हो, चलो ठीक है तीनों दोस्त है वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर एलिश आगे जाना चाहती हैं तो मुझे लगता है एलिस को फिर बाहर निकलना होगा उस ग्रुप से, और वो कुछ चीज़ों पे जो ग्रुपिज्म के चक्कर में जेल के बगल में बैठ के दिन भर बातें करने के चक्कर में वो सारे मोमेंट खो देती हैं जहाँ उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत है, वो भी इसी में रह गए कि अविनाश की बात जेल की बात इधर और बाकी विवियन का इधर की बात उधर, वो भी वही भूमिका अपने दोस्त को गलती को प्रोटेक्ट कर, हाँ गलती को प्रोटेक्ट कर, गलती तो क्या है, ठीक है अविनाश पर जिस तरह से आरोप लगाए मुझे लगता है कि हर कोई इस पर रिएक्ट करेगा जैसे अविनाश ने रिएक्ट करा, लेकिन अब अविनाश ने रिएक्ट करा लेकिन बिग बॉस ने वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अविनाश को दे दी कि आप सारा राशन देखेंगे, और फिर ऐसे आदमी को जो हर बार बुलाता है भाई आप तक जब आप मॉर्निंग में आकर मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे आपके लिए ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा आपको, और किस जो भी ब्रेकफास्ट वो दे रहे हैं किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये भी उन्होंने बोला हुआ है, और जिसमें एलिस और वो लगी रहती है दोनों, ईशा और उन दोनों का यही काम है कि मीडिएटर और कोई किसी के साथ ब्रेकफास्ट शेयर तो नहीं कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अविनाश को देती है। एक लास्ट दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो रजत दलाल की गेम को किस तरह आप देख रहे हैं, और काफ़ी मैंने देखा है ट्विटर पे भी हर जगह ट्रेंड कर रहा है उनका नाम, और वी सपोर्ट यू रजत दलाल, रजत दलाल आर्मी, ये सब उनका भी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग अच्छा है, और एलविश यादव का भी सपोर्ट उन्हें आपको पता ही है, ये उनके दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा, और एलविश यादव ने कहा भी था कि जो कटारिया नहीं कर पाए मैं चाहता हूँ रजत दलाल ट्रॉफी वो घर पर ले आए, हरियाणा आ जाए एक और ट्रॉफी। मुझे नहीं लगता रजत दलाल उतना ज़्यादा टॉप 5 में, तो मैं कह सकती हूँ टॉप 10 में मैं कह सकती हूँ कि रजत दलाल पहुँच सकते हैं, लेकिन
एल्विश यादव वाली खुद की जो एल्विश यादव में जो थोड़ी बात नज़र आई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म में, वो भी रजत दलाल में नहीं है। हर जगह आप मारपीट से, गुस्से से, या मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप एग्रेसिव वे में हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ज़रूरी नहीं है, और वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आप एग्रेसिव में आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं या किसी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना यहाँ पर काम रहेंगे, जितना अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी रेपो आगे बनने वाली है, उतना ही छाप छोड़कर आप दर्शकों के बीच में जाएंगे। आप देखिए, जितने भी जो विनर्स हैं, आप उनका करियर और पूरी जर्नी उठा के देख लीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला, अगर किसी, वो रिएक्ट भी उसी बात पर करता है जो एकदम जेन्युइन है कि भाई आपको करना ही पड़ेगा। आप हर बात पर आपकी पिच अगर यहाँ रहेगी तो फिर मुझे मैनहुड नहीं। हाँ बिल्कुल, वो उसका कोई, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो तो फेक दिखा रहा है। हर बात पर किसी की पिच उतने ऊपर कैसे रह सकती है? आप नॉर्मल भी तो बात करो, आप कभी हंस भी तो लो, कभी किसी से अच्छी भी तो बातें कर लो। हमेशा उसी एग्रेशन में और उस वे में बात करना, आई डोंट थिंक कि वो उनके लिए भी मूड में है। जो रोस्ट वाला मूड रहता है, रोस्ट वाला मूड, रोस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं आप, रोस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका रोस्ट का मूड ठीक है, आप रोस्ट तो हो गए ना, आप रोस्ट हो गए, आप सबको पता है कि किससे रोस्ट हो गए, फिर बाद में क्या हुआ, तो आप वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम गेम अच्छा, चीज़ों को गेम अच्छा खेलो, आप चीज़ों को समझो, और थोड़ा सा उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, आपको मसाला भी चाहिए। हर बात लड़ाई झगड़ा में हाथ चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, थोड़ा वो अपने हरियाणवी टच से, या ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने जिस तरह की अपनी इमेज बना रखी थी सोशल मीडिया में, और जो पिछले हम देखा था हमने 6 महीने जो कहानी चली थी दो लोगों के बीच में, उससे उन्हें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस एकदम अलग है। बॉस रियलिटी शो, हाँ बिल्कुल रियलिटी, आपको रियल दिखना पड़ेगा। आखिरी में आपके फेवरेट सलमान खान की बात कर लेते हैं। हालांकि लोगों को लगा था कि वीकेंड के वार पे हमें वो नहीं दिखेंगे, जिस तरह उनको डेथ थ्रेट आ रहे हैं और तमाम जो नेगेटिव चीज़ें उनकी इस समय करियर में चल रही है, उनकी फैमिली में चल रही है, तो उसके बाद भी शो पे आना, अपनी कमिटमेंट पे रहना, और उनका डायलॉग भी है ना कि एक बार मैंने जो अपनी कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो सलमान खान के इस पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है, देखिए, सलमान खान जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं वो उन्होंने दिखा भी दिया, और आकर उन्होंने बता भी दिया कि देखिए मेरी कमिटमेंट है, मैं नहीं भी आना चाहता था लेकिन मैं आया। तो उन्होंने बताया कि आपके लाइफ में 50 चीज़ें भले ही चल रही हों लेकिन किसी चीज़ को लेकर, अगर मेरे काम को लेकर मैंने कमिटमेंट कर दी है तो मैं वहाँ से नहीं पीछे हट सकता। और जाहिर सी बात है यार, वीकेंड का TRP पूरे वाईकॉम के लिए, कलर्स के लिए बहुत मैटर करती है, और वीकेंड की TRP और सलमान की क्लास हम सब मिस करते हैं। उससे बेहतर जैसे अरफीन जी की क्लास उन्होंने लगाई थी, मीन्स माइंड कोच कॉन्सेप्ट हमें पता समझ नहीं आ रहा है आपका, आप करना क्या चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ही दर्शक मुझे लगता है देखने के लिए बिग बॉस देखते हैं। तभी एक हफ्ते तक देखते हैं कि सलमान अगर वीकेंड में क्लास लगाएंगे तो समझ आएगा कि भाई ये क्लास क्यों लग रही है, और असली गलती किसकी है और क्या होना चाहिए था। तो सलमान तो काफ़ी बेहतरीन होस्ट है ही, और हम भी आगे उनको एज अ होस्ट देखना चाहते हैं। तो फिलहाल जो ये वीडियो थी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने क्लैरिफाई करी हैं, और कौन Top 5 में आ सकता है, कौन रियल गेम खेल रहा है, कौन अभी तक खुल के नहीं खेल पाया है, और Top 2 जो फाइनलिस्ट बताए जा रहे थे अभी तक उनका असली गेम सामने नहीं आया। तो फिलहाल इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, और ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट्स हम बिग बॉस से रिलेटेड आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।